स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज बाबा के बच्चों के आने से बाबा का घर जगमगा उठा है, बहुत सी रौनक जैसे आ गई है पूरे घर में। और संगीता दीदी और रिंकू बहन ने बहुत सारी तैयारियां की है हम बच्चों के स्वागत के लिए, तो हम सब उसका आनंद उठाएंगे। सबसे पहले एक स्किट प्रस्तुत किया जाएगा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बेहद का ड्रामा चल रहा है। इस बेहद के ड्रामा में कुछ हद के ड्रामे भी समाये हुए हैं, उनके नाम पता है हमें? कोई बताना चाहेंगे? नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जूम आदि आदि। यह लॉकडाउन वरदानी अमूल्य समय मिला है हमें ज्ञान योग की गहराइयों को छूने के लिए, अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करने के लिए। तो अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर चेक करते हैं कि इन हद के ड्रामा में हम कहीं फंसे हुए तो नहीं हैं। तो प्रस्तुत है स्किट। तब तक हम चेक करते रहेंगे कि जो बचा हुआ संगमयुग का समय है, लॉकडाउन का समय है, इसमें हमें कल कल की बाजी जीतनी है, तो इस समय का सदुपयोग क्या हम कर रहे हैं? जूम पर बैठकर हम कहीं चाय नाश्ता तो नहीं कर रहे हैं? चेक करें, कोई गफलत तो नहीं कर रहे? चार्ट भरकर फिर व्हाट्सएप में मैसेज तो नहीं भेज रहे हैं? ठीक है, कर रहे हैं या नहीं कोई? और सब बाबा के आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चे हैं। बीच बीच में दूध वाला, पेपर वाला, इनकी सेवाएं तो नहीं ले रहे हैं? ये सब थोड़ा स्माइल करें, दिवाली का माहौल है, सब सीरियस सीरियस हो रखे हैं। तो ये तो निराकारी स्वरूप देखने का बहुत अच्छा अभ्यास है, साकारी स्वरूप तो दिख ही नहीं रहा किसी का। अनम्यूट कर दे प्लीज। आ गया हूँ, सारी क्लासेस सेवा है, मुझ पर ही होती है, मैं आया हूँ, सबका काम रुक जाए। हमारे गोशार्थी बहन और अलविला भाई का क्या कहना है इसके बारे में? अब तो हमें जूम पर ही ऑनलाइन क्लास करनी पड़ेगी। हाँ, अब तो सब कुछ रिलैक्स हो गया है, मैं भी रिलैक्स हो गया हूँ, हम भी खेला भी मिस कर देता हूँ, रूम पर कभी कभी क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या बताऊँ क्या बताऊँ, क्या फर्क पड़ता है। और मैं तो कभी कभी लौकिक सेवा करते करते और जब टाइम मिलता है तो यूट्यूब भी सुन लेता हूँ। हाँ
देखो ये मेरे माया के चंगुल में फंस गए, मैं इनके दृढ़ संकल्प को हिला सकता हूँ, चाहे आंधी आए या तूफान, मेरी काबू में है ये इंसान। देखो मैं एक एंटरटेनमेंट और नॉलेज का प्लेटफॉर्म बन गया हूँ, सारी दुनिया मुझ पर निर्भर है। देखो मैं एक एंटरटेनमेंट और नॉलेज का प्लेटफॉर्म बन गया हूँ, सारी दुनिया मुझ पर निर्भर है। जब भी सेवा केंद्र पर कोई बड़ा इवेंट होता है तो ज्यादा आत्माओं को जोड़ने के लिए मुझे यूज करते हैं और कोई भी प्रोग्राम की स्ट्रीमिंग के लिए भी मुझे यूज करते हैं। देखो मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। हा 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 अब तो लॉकडाउन हो गया है। घर पर बैठे बैठे मैं बीच बीच में सिनेमा भी देख लेता हूँ। हाँ 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 देखो कितनी मजे से ये सिनेमा सिंह की माँ देख रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं वो इसका, आकर्षण हो रहा है उनको मेरी ओर। बाप को तो पूरा ही भूल चुका है, कलयुग में भी स्वर्ग का आनंद मिल रहा है। वाह वाह आइए देखते हैं क्या लॉकडाउन पर का इन पर कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा है। लॉकडाउन हो गया कोई बात नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, अब मुझे तपस्या के लिए और समय मिल जाएगा, मैं बाबा को और ज्यादा समय योग लगा पाऊंगी, और जिंदगी की भाग दौड़ में समय ही नहीं मिलता था, अब अव्यक्त मूल्यों का चिंतन भी कर पाऊंगी। चलो चलो जल्दी चलो, क्लास के लिए लेट हो रहे। मेरी वजह से कितनी आत्माएं एक साथ बैठकर क्लास कर सकती है, सारे वर्ल्ड ओवर से हम कितनी बहनों की क्लासेस सुन सकते हैं जो आज से पहले कभी संभव नहीं था। हमारी सेंटर की बहन जी ने कितनी बहनों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बढ़ाया, बड़ा मजा आया और बहुत इंस्पिरेशन भी मिली। देखो इन पुरुषार्थी बहन को जिन्होंने डेली अपना पोथा मेल भरा जूम पर। मेरी मदद से सबको अपने यज्ञ के पूर्वजों के बारे में कितना कुछ सीखने को मिला, उन आत्माओं के बारे में जिन्होंने अपना तन मन और धन इस यज्ञ के लिए स्वाहा कर दिया, और पुरुषार्थी बच्चों ने भी सीखा कि हमें भी उन आत्माओं जैसा ही बनना चाहिए। आइए देखते हैं ये पुरुषार्थी बहन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पुरुषार्थी बहन तो हमेशा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहती है, इनका तो कोई मेरा डर ही नहीं, थक गया हूँ इन पे जोर लगाकर। देखते हैं स्वर्ग के सुप्रीम कोर्ट में पुरुषार्थी बहन और अल्बेला भाई का क्या हालचाल है। धर्मराज के द्वार पर कौन है? मैं पुरुषार्थी बहन। क्या काम है? मुझे स्वर्ग के लिए लक्ष्मी नारायण का एंट्री पास चाहिए। अच्छा तुमने ऐसा क्या काम किया जो तुम्हें लक्ष्मी नारायण का पास दिया जाए? अरे मैं चारों सब्जेक्ट्स में बहुत मेहनत कर रही हूँ, ज्ञान योग धारणा सेवा, और रोज 8 महीने से 4 भी भर रही हूँ। अच्छा कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा। दिखाओ अपने जरा सर्टिफिकेट्स मुझे। हाँ
सारे अच्छे हैं, पर एक मिसिंग है। कौन सा? सेवा का। ओहो दीदी देख भूल गई होंगी देना। अच्छा तो जाओ सारे सर्टिफिकेट लेके आओ तो मैं स्वर्ग का पास दूंगा तुम्हें। हेलो दीदी प्लीज आप मेरा सर्टिफिकेट तैयार रखिए, मैं हवा की गति से फौरन आती हूँ। पुरुषार्थी बहन अपने सर्टिफिकेट धर्मराज को दे देती है और उन्हें एंट्री मिल जाती है स्वर्ग में। अब ठीक है, अब चारों सब्जेक्ट में तुम पास हुए। आओ तुम्हारा स्वर्ग के द्वार पे स्वागत है, तुम्हारा स्वर्ग के अंदर स्वागत है। जैसा सोचोगे तुम वैसा। अलबेला भाई तोते में खड़े खड़े यह सब देख रहा था, उसे अपने गलती का एहसास हो गया है। मैं क्या करूंगा, जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो मैं अपनी जिंदगी सारी जिंदगी मैंने सोखे और खाके गवा दी। धर्मराज तो मुझे एंट्री भी नहीं करने देगा, लेकिन अभी भी वक्त है, मैं अपना 10 दस दूनों का बल लगा दूंगा पुरुषार्थ में। अलबेला भाई बहुत मेहनत करता है और अपना पूरा जोर लगा देता है, पुरुषार्थ करता है और फाइनली उसे भी स्वर्ग में एंट्री मिल जाती है। इससे बाबा हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। लॉकडाउन होगा तो क्या हुआ, इसका मतलब हम अलबेले तो नहीं बन जाए। हमें अपनी क्लासेस मुरली अमृत वेला सब कुछ नियमित रूप से करना चाहिए। ओम शांति। दीपक भाई हमारे अलबेला भाई बने थे। इधर सामने आओ सबके सबके सामने अच्छे से धीरे से। दीपक भाई हमारे अलबेला भाई बने थे। हिमलता बहन पुरुषार्थी बहन ये सभी तालियां ऑनलाइन वाले तालियां। अक्षानी यूट्यूब रुद्राज भाई हमारे जूम बने थे। दीपक भाई ने अलबेला पुरुषार्थी का रोल अच्छा किया, वो बिल्कुल अलबेले नहीं है ये हम क्लियर कर देते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार से है, दीप जले हैं खुशियों के बहुत दिनों के बाद, अलौकिक है अंतर मन बहुत दिनों के बाद, दीप जले हैं खुशियों के बहुत दिनों के बाद, अलौकिक है अंतर बहुत दिनों के बाद, नगर का हर कोना चहका है बहुत दिनों के बाद, भक्तों के मन का पुष्प खिला बहुत दिनों के बाद, नगर का हर कोना चहका है बहुत दिनों के बाद, भक्तों के मन का पुष्प खिला है बहुत दिनों के बाद, आनंद सौरभ से सुरभित है कणकण बहुत दिनों के बाद, प्रजा ने अपने प्रभु को देखा बहुत दिनों के बाद, आनंद सौरभ से सुरभित है कणकण बहुत दिनों के बाद, प्रजा ने अपने प्रभु को देखा बहुत दिनों के बाद, बह चली अश्वन की धारा बहुत दिनों के बाद, राम लला घर आए अपने बहुत दिनों के बाद, बह चली अश्वन की धारा बहुत दिनों के बाद, राम ललागर अपने आए बहुत दिनों के बाद, तृषित हृदय को चैन मिला है बहुत दिनों के बाद, दीप जले हैं खुशियों के बहुत दिनों के बाद, दीप जले हैं खुशियों के बहुत दिनों के बाद।